चुनाव और चुनावी वादे। हिंदुस्तान में चुनाव एक बहुत बड़ा त्यौहार होते हैं जहां पे पार्टियां कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दों पे बात करने से बचती हैं। उनका सारा कैंपेन कुछ न्यूट्रल मुद्दों के आसपास होता है, जैसे भूखमरी है, बेरोजगारी है, शिक्षा है। अब इनमें पार्टियों की राय अलग अलग नहीं हो सकती। सब लोग कहेंगे कि गरीबी घटनी चाहिए, रोजगार पैदा होना चाहिए, समानता बढ़नी चाहिए, बिजली आनी चाहिए, सड़कें बननी चाहिए। कोई भी पार्टी कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दों पर बात करने से बचती है। जैसे एक हो गया इमिग्रेशन, जिसमें पार्टियों की राय अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग कह सकते हैं कि बाहर के जो शरणार्थी हैं उन्हें हिंदुस्तान में जगह मिले, कुछ लोग कह सकते हैं कि ना मिले। लेकिन इन मुद्दों पे चुनाव लड़ा नहीं जाता है। लेकिन हिंदुस्तान से सात समंदर दूर एक देश ऐसा है जहाँ पे एक बड़े ही कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दे पे एक चुनाव लड़ा गया और कॉन्ट्रोवर्शियल बात करने वाला नेता जीत गया। तो उस चुनाव का किस्सा हमारे साथ लेके हमारे साथ हैं स्वाति। स्वाति, ये कंट्री कहाँ पे है, वो कॉन्ट्रोवर्सी कौन सी थी और कौन जीता है? कल मैं इसकी दूरी, फिजिकल डिस्टेंस नाप रही थी, तो करीब 12,500 किलोमीटर हमसे दूर है ये कोस्टा रिका। सेंट्रल अमेरिका की एक कंट्री है, एक तरफ पैसिफिक ओशन है, एक तरफ कैरेबियन ओशन है। छोटा सा देश है, 50 लाख के करीब की आबादी होगी, खूबसूरत देश। वहाँ पर चुनाव हुआ राष्ट्रपति के लिए। तो इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा था, जिस मुद्दे पर यह चुनाव लड़ा गया, जिसको कि आपने विवादित कहा, वो था कि सेम सेक्स मैरिज, समलैंगिक विवाह, जैसे हमको, आपको, बाकी सारे नागरिकों को अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार होता है, वैसा ही अधिकार समलैंगिकों को दिया जाए या ना दिया जाए। तो ये पूरा जो मुद्दा था वो वहाँ का सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख चुनावी मुद्दा बन गया। हाँ, और सेम सेक्स मैरिज बड़ा पोलराइजिंग इशू है पूरे दुनिया में, क्योंकि लोग इस बात को नहीं पचा पाते हैं कि एक लड़की एक लड़के से शादी करे या एक लड़का और दूसरा लड़का अपनी पसंद से एक साथ रहें पति पत्नी की तरह। जी, तो उसमें एक पार्टी है सिटीजन एक्शन पार्टी, इसी की सरकार थी फिलहाल, यही सत्तारूढ़ थे गए जब, तो इसी के एक नए नेता थे, वो थे कार्लोस अल्वाराडो, और वो जीते हैं। उनका कहना था कि अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूँ जीतकर, तो मैं सारे नागरिकों को बराबरी का अधिकार दूंगा। जब आप बराबरी की बात करते हैं सबके लिए, और सबके लिए आज़ादी की बात करते हैं, पर्सनल चॉइसेस की आज़ादी, धर्म मानने की आज़ादी, तमाम जो लोकतांत्रिक प्रगतिशील मुद्दे हैं, तो उसमें समलैंगिक भी आते हैं। तो उनका ये कहना था, और जो उनके विरोधी थे मुनाज, उनका ये कहना था कि नहीं, उनकी पार्टी का नाम, उनके विरोधी की पार्टी का नाम था नेशनल रेस्टोरेशन पार्टी। तो ये सुनकर आपको नाम से ही फीलिंग आएगी थोड़ी राष्ट्रवादी। हाँ, और राइट विंग पार्टी है रेस्टोरेशन, मतलब जो पुराना अतीत, जिसे कहा जाता है कि सोने की चिड़िया वाले इतिहास, जैसे हमारे यहाँ बताया जाता है, वैसे दुनिया के अलग अलग देशों में भी एक इमेज है कि हमारा देश ऐसा होता था, अब देखिए क्या हो गया है और हम उसे वापस लेकर आएंगे। जो हमारा खोया हुआ स्वर्णिम काल है वो हम वापस लेकर आएंगे। लेकिन जो ये नेशनल रेस्टोरेशन पार्टी थी मुनाज की, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि राष्ट्रवादी हो, इनका बहुत कट्टर कैथोलिक, क्योंकि जो कोस्टा रिका है वो मेजॉरिटी लोग वहाँ पे ईसाई हैं, और वो भी कैथोलिक धर्म मानने वाले, इस जो ईसाई धर्म की सबसे कट्टर शाखा है वो कैथोलिक्स ही हैं, जो अभी भी एबॉर्शन के खिलाफ हैं। तो वो उनका ये स्टैंड था। तो उन्होंने कहा था कि ना तो मैं सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करूंगा, ना मैं स्कूल में सेक्स एजुकेशन दिया जाने का समर्थन में हूँ, मैं उसको भी ख़त्म कर दूंगा। इसके अलावा मैं, मतलब ऐसे ही तमाम मुद्दे, एबॉर्शन के मुद्दे की बहुत लिमिटेड केसेस में, सीमित ऑप्शंस में आपके पास होंगे कि आप एबॉर्शन करवा लें, तो वो मतलब ये सारा वो बहुत परंपरावादी थे। तो इन दोनों के बीच की जिस फाइट में कोलोराडो जीते हैं कार्लोस। साथ ही आपके ये बताने से हमें ये तो समझ में आया कि कार्लोस अल्वाराडो एक इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल बात, जो कि पॉलिटिकली करेक्ट थी, वो करके जीत कैसे गए। लेकिन एक कैथोलिक देश में सेम सेक्स मैरिज इतना बड़ा मुद्दा बन कैसे गया चुनावों में? जनवरी 2018 की बात है, वहाँ पे एक अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ठीक है, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन ओएएस के देश हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स हैं, तो उस पूरे अमेरिकी महादेश के देशों का 35 के करीब इसके सदस्य हैं, उनका संगठन है। ये जो कोर्ट है वो तय करता है मानवाधिकार से जुड़े मुद्दे, ठीक है, कि तो उसने ये फैसला दिया कि समलैंगिकों को भी बाकी नागरिकों के बराबर हक मिले और उनको इस बात की आज़ादी दी जाए कि वो अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। तो इस बात को लेकर जो सदस्य देश हैं वो एकमत नहीं थे, कई सारे देशों ने इसको इम्प्लीमेंट किया, कई सारे देशों ने अभी भी इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया
किया है। तो इस बात को लेकर कोस्टा रिका में एक बहस शुरू हुई, जिसमें एक तरफ तो आपने देखा कि कार्लोस हैं, ठीक है, कार्लोस और कार्लोस के जैसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, एक अच्छी चीज़ है, हमें ऐसा करना चाहिए, और दूसरी तरफ मुनाज उनके विरोधी और उनके उनके समर्थक हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, ये परंपरा के खिलाफ है, ये संस्कृति के खिलाफ है और ये धर्म के खिलाफ है, तो हमें इसे नहीं करना चाहिए। अच्छा, और फिर इसी मुद्दे पर उन लोगों ने चुनाव लड़ा। ये सबसे बड़ा चुनाव ये सबसे बड़ा चुनाव मुद्दा था, और भी रहे होंगे, लेकिन ये सबसे पोलराइजिंग मुद्दा यही था। कोस्टा रिका का ये इलेक्शन कैंपेन है, उसके बाद आया नतीजा, दुनिया के अलग अलग देशों के लिए एक नज़ीर है जहाँ पे समलैंगिकता और सेम सेक्स मैरिज को गलत समझा जा रहा है। ये फैसला एक ऐसे समय में आया है जहाँ पे दुनिया में लगातार दक्षिणपंथ दोबारा सर उठा रहा है, सहिष्णुता और जो असल लोकतांत्रिक मूल्य हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं, मारकाट और दंगा फसाद के लिए पार्टियाँ अलग अलग एक्सक्यूज ढूंढ ले रही हैं और उसे डेमोक्रेसी का नाम दे रही हैं। तो इस तरह के और किस्से हम आपको सुनाते रहेंगे, और वो सारे किस्से आप जानना चाहते हैं तो मेरी क्लोजिंग में हमेशा की तरह स्वाति को और कुछ जोड़ना है। मुझे ये कहना है कि कोस्टा रिका की ये खबर पढ़कर जानकर मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे नहीं पता पिछले कितने महीनों में मैंने ऐसा महसूस किया था। बहुत अच्छा लगा, इससे खूबसूरत खबर पिछले कई महीनों से नज़र के आगे से नहीं गुजरी थी। और ऐसी सारी खूबसूरत खबरें अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर इस वीडियो का यूट्यूब कट आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।